पड़ी। तो आज का हमारा ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये क्वांटम टेक्नोलॉजी, जो आपने टर्म सुनी होगी उससे रिलेटेड है। और बहुत बार होता क्या है ना कि क्वांटम टेक्नोलॉजी कहने के लिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक सिंपल टॉपिक है, लेकिन हम कभी उस पर ध्यान नहीं देते, हमारा कभी उसकी उसकी तरफ हम ठीक से स्टडी नहीं करते। तो हमें लगता है कि क्वांटम मतलब बात ये किस खेत की मूली है, हमारा ये एटीट्यूड होता है। तो वो एटीट्यूड आज आपका पूरा बदल जाएगा, क्योंकि क्वांटम टेक्नोलॉजी में जो पार्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके बारे में आज हम बात करने वाले, जिनको हम कह रहे हैं बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल। तो बिफोर वी गो अहेड, चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारा जो अनअकैडमी का चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड वी आर गुड टू गो। अच्छा, क्या आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीबॉडी? आई होप आई एम। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी। दीज आर इंडियाज टॉप एजुकेटर्स हु विल हेल्प यू टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन। आई एम ऑलरेडी वन ऑफ देम गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल। दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल, फॉलो मी ऑन अनअकैडमी एंड डेडिकेट यूर हैट्स टू मी ऑन अनअकैडमी। गाइज, इंडियाज बेस्ट प्रोग्राम टू क्रैक यूपीएससी, 100 सीट्स है सिर्फ यहाँ पे। ये प्रोग्राम में आपको ये सारे बेनिफिट, जैसे कि आपको डेली इन पर्सन डाउट सॉल्विंग मिलती है, मंथली एएमए सेशंस होते हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ, यूपीएससी इंटरव्यू अटेंडेड कोचेस एंड अ कम्युनिटी ऑफ हाई पोटेंशियल एस्पिरेंट, ये प्लस उसके साथ साथ आपको वीकली वन ऑन वन पर्सनल मेंटरिंग भी मिलती है। तो ये सारे बेनिफिट आपको कब मिलते हैं पता है? जब आप लोग जीएस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, लेकिन कौन सा? आइकॉनिक। और मिनिमम वो लेना है आपको 2 ईयर और 3 ईयर का, ठीक है? यहां आप देख सकते हो, दिस इज वैलिड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 ईयर्स आइकॉनिक एंड अबव। तो 2 या 3 ईयर का जब जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो और आप कोड यूज करते हो उसके लिए SKUS, जिसे हम कहते हैं वायरल कोड ऑफ सक्सेस, तो तब आपको ये सारे बेनिफिट यहां पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? Then guys, the Great Learning Week is still going on. 16 जून को ये एंड होने वाला था, लेकिन अब ये एक्सटेंड हुआ है। ये महा सब्सक्रिप्शन ऑप्शन सब्सक्रिप्शन ऑफर इज स्टिल गोइंग ऑन, मतलब अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन या 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्सटेंड होगा 2022 की मेंस तक, और या फिर 2023 की मेंस के एग्जाम तक। 35% डिस्काउंट अभी भी आपको पता ही है कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे चल रहा है। कल ही एक स्टूडेंट ने प्लस का कॉम्बो लिया, एक स्टूडेंट ने आइकॉनिक का कॉम्बो लिया, उसके लिए उन्होंने कोड यूज किया SKUS, उनको 35% डिस्काउंट मिला। कल हमने ये 10 ऑप्शनल कार्निवल लॉन्च किया है, और अब आपको हम नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देना हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? चेज योर यूपीएससी ड्रीम, नथिंग कैन स्टॉप यू विथ अवर लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी। तो अनअकैडमी आपको यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए लोन प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें प्रोसेसिंग फी 0 है, इंटरेस्ट रेट 0 है, 2 घंटे में आपको अप्रूवल मिलता है, देर इज नो हिडन चार्ज, मिनिमम पेपर वर्क और फ्लेक्सिबल 10 ईयर में आपको ये अनअकैडमी लोन प्रोवाइड कर रही है। उसके साथ साथ हम आपको 20 बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जिनकी वर्थ 10,000 रुपीज है। तो ये सारे बुक्स आपको जीएस आइकॉनिक और कॉम्बो सब्सक्रिप्शन पे मिलेंगे, ये आपको ऑप्शनल पे नहीं मिलेंगे। आफ्टर दैट गाइज, ये ऑप्शनल कार्निवल की हमने बात की थी, ये अलग अलग ऑप्शनल सब आपको अवेलेबल हो चुके हैं। इन सारे ऑप्शनल्स को आप एंजॉय कर सकते हो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, और वहां जाने के लिए आपको अगर कोड चाहिए तो ये कोड मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ SKUS, जिसे हम कहते हैं वायरल कोड ऑफ सक्सेस। देन जब आप लाइव प्लस पे जाते हो गाइस, तो आपको लाइव क्लासेस मिलते हैं, वीकली टेस्ट मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस, ये 4 बेनिफिट हम आपको प्लस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप आइकॉनिक पे जाते हो तो आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर, ये 5 बेनिफिट मिलते हैं। तो ऐसे टोटल हम आपको आइकॉनिक पे 4+5 9 बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आपको हेल्प आउट करते हैं टू क्रैक यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन प्लस। और आइकॉनिक पे जाते वक्त आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी, वो है SKUS वायरल कोड ऑफ सक्सेस आपको यूज करना है, ठीक है? चलते आगे, प्लस पे जाने के बाद आपको 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ या 36 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलते हैं, और अगर आप कोड यूज करो SKUS तो ये कोड आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देता है। जब आप आइकॉनिक पे जाते हो तो आपको आइकॉनिक पे 12 मंथ, 24 और 36 मंथ के सब्सक्रिप्शन ऑप्शंस मिलते हैं। तो सर, मैं स्टूडेंट हूं तो क्या मैं लोन पर कोर्स ले सकती हूँ अपने नाम पर? सुनीता मिश्रा, एटलीस्ट आप अप्लाई कर दीजिए,
फिर अनएकेडमी आपको कांटेक्ट करेगी और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा। मेरे ख्याल से यस, अगर अनएकेडमी पे आपके डैड के बैंक अकाउंट के बेस पे आपको लोन मिल सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके सर, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, वैक्सीन लेने आई हूँ, कोविशील्ड। वाओ, दैट्स ग्रेट श्वेता, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। तो आइकॉनिक पे भी आपको, अगर आपको SKVS कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं। देन गाइज, 16 जून मतलब कल से हमने ये नए बैच कोर्सेस लॉन्च किए। 1 ईयर की बैच है, 2 ईयर की बैच है, NCERT की बैचेस भी है और फिनिक्स रिविजन बैच भी हमने स्टार्ट किए। तो ये सारी बैचेस आपको मिलती है एक तो प्लस पे, या फिर आपको ये बैचेस मिलती है आइकॉनिक पे। और प्लस और आइकॉनिक पे जाने के लिए आपको एक कोड यूज करना है, एंड दैट कोड इज SKUS, वायरल कोड ऑफ सक्सेस। लोन लेते वक्त भी आपको यही कोड यूज करना है। इज दैट क्लियर? देन देर आर डिफरेंट फ्री टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन अनएकेडमी, ये तीनों है, लेकिन इनसे भी ज्यादा बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी यहाँ पे। ये देखिए, मॉर्निंग में शार्प 8 AM को और इवनिंग में शार्प 4 PM को अनएकेडमी लर्निंग ऐप पे मैं लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करता हूँ। तो ये लाइव मॉक टेस्ट आप लोगों को क्या करनी है, कंपल्सरी है कि आप इसे अटेंड करो, ताकि आपका मतलब प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो और आपकी प्रिलिम 2021 इस मॉक टेस्ट से क्रैक हो सकती है, निकल सकती है। ठीक है, क्लियर? गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी गाइज, गुड आफ्टरनून। अनएकेडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप एवरी संडे 11 AM को होती है, जिसमें 60 क्वेश्चन होते हैं जो आप 60 मिनट में आंसर करते हो, जिसमें आप 4 करोड़ रुपीज तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो और आपको टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलते हैं। अगर आपको इन्वाइट कोड की जरूरत है तो वो कोड है SKUS। पूजा शर्मा, मैं आपको आशीर्वाद सर की डिटेल्स लेकर कल बता दूंगा कि आशीर्वाद सर कहाँ है। आई नीड टू आस्क, मुझे नहीं पता कि उनके क्लासेस नहीं हो रहे थे, अभी पता चला है, तो मैं बात करता हूँ सर से और आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करते हैं। उससे पहले गाइज, ये देखिए, यू आर ओनली कन्फाइंड बाय द वॉल्स यू बिल्ट योर सेल्फ। जब आप बोलते हो ना, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपके बहुत सारे फैमिली फ्रेंड्स या रिलेटिव्स होंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। उसमें से कोई क्लर्क की, SBI की क्लर्क की तैयारी कर रहा है, कोई IBPS की तैयारी कर रहा है, कोई स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहा है, कोई PSI की तैयारी कर रहा है, कोई असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, कोई SSC की तैयारी कर रहा है ना। कितनी सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है और इन सारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में हर कोई अपने अपने तरीके से एफर्ट ले रहा है। वो सब अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ही ने सिर्फ UPSC का डिसीजन क्यों लिया? ऐसा अलग क्या था कि आप लोगों ने UPSC का डिसीजन लिया, उन्होंने UPSC करने का डिसीजन नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने खुद डिसाइड किया कि नहीं भाई, UPSC मेरे औकात के बाहर है। ये किसने डिसाइड किया? उसने खुद डिसाइड किया ना। जो भी SSC करने वाला है, स्टेट सर्विस करने वाला है, क्लर्क का तैयारी कर रहा है, PSI का तैयारी कर रहा है, वो उसने खुद डिसाइड किया कि मुझसे UPSC नहीं होगी। तो उसने खुद को लिमिट किया। किसने लिमिट किया? खुद ने किया। लिमिट किसने किया? उसने खुद ने ही खुद ही को लिमिट किया। तो रिमेंबर गाइस, देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। जिंदगी में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते। प्रॉब्लम होती है कि हम खुद बताते कि हाँ, ये मुझसे नहीं होगा। जिस मोमेंट पे हम खुद को बताते ना कि ये मुझसे नहीं होगा, वो नहीं होता। आप बताओ, एक सिंपल इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज आप खेत में हो और खेत में ना एक छोटा नाला है, ठीक है। उस नाले को आपके भाई ने, आपके दोस्त ने क्या किया? लांग दिया, मतलब उन्होंने इस साइड से उस साइड छलांग लगाई और उस साइड चले गए, ठीक है। और अब जो है, आपने अपने आपको कहा कि नहीं, आई कैन डू, मैं जा सकता हूं, मैं छलांग लगा सकता हूं, तो छलांग लग जाएगी। अगर आपने थोड़ा भी खुद पे डाउट किया कि यार मुझसे ये छलांग लगेगी नहीं, ये कि नहीं, मैं आगे जा पाऊंगा कि नहीं, उसी मोमेंट पे आप गारंटीड देखिए आप उस नाले में गिर जाओगे। इसका मतलब क्या है गाइस, कि हमारे माइंड में बहुत ज्यादा पावर होती है, एंड आवर बॉडी लिसन्स टू आवर माइंड। हमारी बॉडी अपने माइंड की बात सुनती है। तो कभी भी खुद को लिमिट मत कीजिए। बिग ड्रीम, ड्रीम बिग, बी ब्रेव, फाइट फॉर योर ड्रीम एंड अचीव इट, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। ओके, चलते हैं आगे। तो ये यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आज हम बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल बिल्कुल वही डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन कुछ 2-3 क्वेश्चन से पहले वो हम देख लेते हैं, एंड देन वी विल गो अहेड। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, फटाफट आंसर दीजिए। ABCD में क्या आंसर है? ABCD में से कौन सा आंसर है ये आप बता दीजिए जल्दी से, देन वी विल गो अहेड। चलो बोलो, इसमें से कौन सा आंसर है? यस गाइस,
प्लीज गाइज क्विकली राइटली एंड परफेक्टली आपको आंसर देना है, क्या बात है। यहाँ पे हमें आंसर आना स्टार्ट हो गए, कुछ मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बी आंसर दिया है, कुछ बोल रहे हैं मे बी डी, आंसर बी ही है, ठीक है। क्यों बी है देख लीजिए, रन ऑफ कच इज द ओनली ब्रीडिंग साइट ऑफ फ्लेमिंगोज इन द वर्ल्ड। नो इट इज रॉन्ग गाइज, पहला स्टेटमेंट क्यों रॉन्ग है, देर आर मेनी ब्रीडिंग साइट्स ऑफ द फ्लेमिंगोज इन द वर्ल्ड, रन ऑफ कच इज द ओनली ब्रीडिंग साइट ऑफ द फ्लेमिंगोज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। वहां पे अगर टर्म होती ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होता, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड, रन ऑफ कच इज अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर वाइल्ड एस, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फर्स्ट रॉन्ग, सेकेंड करेक्ट, आपका आंसर आ गया बी। हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन है बस, वो हम सॉल्व करके बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल के टॉपिक पे चले जाएंगे। यस बता पढ़िए, क्वेश्चन नंबर टू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडेमिक स्पीसीज ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में नीचे में से कौन सी स्पीसीज एंडेमिक नहीं है, ठीक है, जो बेसिकली वेस्टर्न घाट को ही बिलोंग नहीं करती, ऐसे स्पीसीज आपको पूछी है यहाँ पे, और आप लोगों से आंसर आना स्टार्ट हो गया। वेरी गुड, लॉयन टेड मकाऊ नीलगिरी में आपको मिलेगा, एंडेमिक है लॉयन टेड मकाऊ। उसके बाद नीलगिरी लंगूर, इसके नाम में ही नीलगिरी है तो ये वेस्टर्न घाट को एंडेमिक है। नीलगिरी थार, इसके नाम में नीलगिरी है तो ये भी वेस्टर्न घाट को एंडेमिक है। आपका गोल्डन लंगूर, ये गोल्डन लंगूर कहाँ मिलता है कोई बता सकता है, वेयर यू कैन फाइंड दिस गोल्डन लंगूर, आंसर डी है, बाकी तीनों एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट है। गोल्डन लंगूर इज एंडेमिक टू आसाम एंड भूटान। गोल्डन लंगूर आपको कहाँ मिलता है, ये मिलता है आपको आसाम में और भूटान में। क्या आप मुझे बता सकते हो आसाम में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोल्डन लंगूर के लिए स्पेसिफिकली हमने अनाउंस की है, तो आसाम की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका नाम है चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेडिकेटेड है गोल्डन लंगूर्स के लिए, दैट्स व्हाई योर आंसर इज डी, गोल्डन लंगूर। चलते हैं आगे, गोल्डन लंगूर वाला हो गया। अब ये देख लीजिए, वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, एनसीईआरटी भी अगर आपने पढ़ा है ना आप इसका आंसर दे सकते हो। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, भाबर ओल्डर एल्यूवियम ऑफ द फ्लड प्लेन, तराई मार्शी ट्रैक्ट एंड भंगार और भांगर पेबल स्टडेड जोन विद पोरस बेड्स। ये आपको स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्टली इनकरेक्ट है, इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो यस सबको पता है कि आपका तराई रीजन क्या है, इट इज अ मार्शी एरिया, वॉटर लॉक्ड एरिया है, विच इज लोकेटेड बिटवीन द गंगा रिवर प्लेन एंड शिवालिक रेंज। तो सेकेंड करेक्टली मैच्ड है, तो आपका ए आंसर नहीं है, इलिमिनेशन मेथड, सी आंसर नहीं है और डी भी आंसर नहीं है, आपका आंसर ही आ गया बी। मतलब आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है सही, हमेशा आपको ढूंढना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पे तराई मार्शी ट्रैक्ट करेक्ट है, वो आंसर में नहीं आना चाहिए क्योंकि उन्होंने इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है, तो आपका आंसर आ गया बी, वन एंड थ्री। हम चलते हैं आगे, सो यस पढ़िए दैट, ये आपके ये जो आपका कोविड 19 आया है ना सार सीओवी टू इन्फेक्शन, उसकी वजह से ये बहुत ज्यादा न्यूज में बहुत ज्यादा फेमस बन गया है। बैट हार्बर सेवरल हार्मफुल वायरसेस विदाउट फॉलिंग सिक बिकॉज, आपने अभी भी न्यूज पढ़ी थी ना, आपने अभी अभी न्यूज पढ़ी थी कि चाइना के रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ने बैट में 24 न्यू कोरोना वायरसेस फाइंड आउट किए हैं। तो इनको बस वही काम है, बाकी कुछ काम तो आता नहीं, दुनिया को परेशान करो, इंडिया को परेशान करो, बिगड़े हुए देशों को सपोर्ट करो जैसे कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। आई डोंट नो व्हाई चाइना डज दैट। ओके, तो यहाँ पे दे अवॉइड एक्सेस वायरस इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है। एंड दे डू दिस बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन ऑफ अ प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेशन, ये भी करेक्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ गाइज, मुझे बताइए कोविड 19 ये जो डिसीज है आपका, कोविड 19 ये जो डिसीज है, ये डिसीज में पर्सन की डेथ किसकी वजह से होती है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ अ पर्सन इन कोविड 19। देखिए सचिन सर, ये हमें आन एकेडमी ने भेजा हुआ WHO के फॉर्मूला वाला सैनिटाइजर है, मैं यूज कर रहा हूं ताकि मुझे कोविड 19 ना हो। ओके, आप भी सैनिटाइजर यूज करो, मास्क यूज करो और अपने आप को दूर रखो। वेरी गुड, मेनली साइटोकाइन स्टॉर्म की वजह से उस पर्सन की डेथ होती है। एंड व्हाट इज साइटोकाइन स्टॉर्म, साइटोकाइन स्टॉर्म एग्जैक्टली होता क्या है? तो गाइस साइटोकाइन स्टॉर्म है ना, इट इज द एक्सेसिव
साइटोकाइन स्टॉर्म इज नथिंग बट द एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन इन ऑफ लंग्स, इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ ह्यूमन में कोविड 19 जब किसी को होता है तो उसकी डेथ होती है कोविड 19 में, क्योंकि उसकी इम्यून उसका एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन होता है। तो एक अगर हमारी इम्यून सिस्टम एक्सेसिव रिस्पॉन्स ना दे, एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन ना होने देना, तो डेथ ही नहीं होगी। और यही प्रिवेंट करते हैं ये बैट। तो बैट में जो कोविड वायरस है उस सार्स वायरस होते हैं या कोरोना वायरस होते हैं, उनकी वजह से बैट की डेथ नहीं होती, क्योंकि वो एक्सेस वायरस इंड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, अवॉइड करते हैं। और ये किस तरीके से करते हैं, तो ये जो साइटोकाइन नाम का ये प्रोटीन ही है जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है, ये जो है ना साइटोकाइन, ये प्रोटीन ही जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है, ऐसे प्रोटीन्स को प्रोटीन का एक्टिवेशन ये रिड्यूस करते हैं। ये प्रोटीन अगर ज्यादा एक्टिवेट नहीं हुआ तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, और इन्फ्लेमेशन अगर नहीं होगा तो डेथ नहीं होगी। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपका आपको इनकरेक्ट पूछा था कि नहीं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका आंसर आ गया डी, नाइदर वन नॉर टू, बैट हार्बर सेवरल हार्मफुल वायरसेस विदाउट फॉलिंग सिक, व्हाई सो, बिकॉज ऑफ दिस। चलते हैं आगे, चलिए थोड़ी ही क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी कर लेते बात बन जाएंगी। हाँ चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को। Consider the following statements. The black flying fox is native to Australia, Papua New Guinea and Indonesia. Second statement is the black flying fox is an endangered species. आपको पूछा है select correct statement. इसमें इनमें से कौन सा statement correct है ये आप लोगों को बताना है, तो बताइए जल्दी से कौन सा statement correct है, बताओ। ओके फाइन गाइज, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो, इसका आंसर है ए, द ब्लैक फ्लाइंग फॉक्स इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गुयाना एंड इंडोनेशिया, इट इज नॉट थ्रिएटर्न्ड, ये थ्रिएटर्न्ड नहीं है, ब्लैक फ्लाइंग फॉक्स थ्रिएटर्न्ड नहीं है, इज दैट क्लियर। इसलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, आंसर आ गया ए। तो हमारे यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन हो गए, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल वाला टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, मस्त तरीके एंजॉय करेंगे हम इस टॉपिक को वन बाय वन। चलिए, आर यू रेडी फॉर दिस टॉपिक, आपको ये टॉपिक पढ़ने के लिए आप रेडी हो? चलो वन बाय वन केयरफुली, बहुत सुनना है आपको केयरफुली। मुझे बताइए ह्यूमन की ये हमेशा से एक टेंडेंसी रही है, क्यूरियोसिटी रही है, ये एग्जैक्टली चीज बनी किससे है। जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, जैसे ये पेन मेरे हाथ में आता है ना, मेरे दिमाग में पहली चीज आती है कि ये बना किस मटेरियल से, आता है कि नहीं, आता है कि नहीं। जैसे मैं लैपटॉप देख रहा हूं तो मैं सोचता हूँ ये लैपटॉप एल्यूमिनियम से बना है, स्टील से बना है, या फिर प्लास्टिक से बना हुआ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब हमारे सामने आती है ना, तो हमारे दिमाग में पहला क्वेश्चन आता है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट। फिर वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, ईट करने वाली हो या नॉन एडिबल हो, एनीथिंग, जैसे हमारे सामने आता है हम बोलते हैं कि भाई साहब ये बना किससे है कि नहीं, एक बेसिक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। उसी तरह जो साइंटिस्ट है ना, उन साइंटिस्ट के दिमाग में भी ये चीजें आती थी कि ये एग्जैक्टली बना किससे। तो सबसे पहले जब मैटर हमारे सामने आया तो हमने खुद से हमने पूछा कि ये मैटर बना किससे है। तो हमने जब उस मैटर को स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये मैटर बना हुआ है मॉलिक्यूल से, ठीक है। जब हमने मॉलिक्यूल को स्टडी किया तो देखा कि मॉलिक्यूल जो है ना मोर देन वन एक चीज है जिससे ये बना हुआ है, मोर देन वन, जैसे H2O मॉलिक्यूल है कि नहीं, H2O, लेकिन इसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, मतलब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। तो हमें पता चला कि नहीं, मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ है, वाह,
मॉलिक्यूल एटम से बना हुआ है। जब अब हमने कहा कि नहीं, ये एटम जो होता है ना, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। किसने कहा भाई, किसने कहा कि इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता? इससे छोटा भी हमें बाद में मिल गया। हमने देखा कि ये जो एटम है ना, ये एटम में न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उस न्यूक्लियस को अराउंड घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बाद में हमने सोचा कि हाँ ठीक है भाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, उनके लिए हमने टर्म भी एक ढूंढ ली, उनके लिए हमने उन्हें हमने कहा ना, कहना शुरू किया सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ये टर्म हमने उनके लिए यूज करना स्टार्ट की। और अब हमें पता चल रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो और किसी पार्टिकल से नहीं बने, लेकिन ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये और भी स्मॉलर पार्टिकल से बने हुए हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। जब हमने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बने हैं क्वार्क्स की वजह से। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने हुए हैं क्वार्क्स की वजह से। तो देखिए, मैटर इज मेडअप ऑफ मॉलिक्यूल इज मेडअप ऑफ एटम, एटम इज मेडअप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड दिस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेडअप ऑफ क्वार्क्स। देखिए, प्रोटॉन में दो अप क्वार्क है और एक डाउन क्वार्क है, न्यूट्रॉन में दो डाउन क्वार्क है और एक अप क्वार्क है, और प्रोटॉन में तीन ग्लियॉन्स है, जी फॉर ग्लियॉन, प्रोटॉन में तीन ग्लियॉन्स है और न्यूट्रॉन में भी तीन ग्लियॉन्स है। तो अभी हमारा जो स्टडी है ना, या फिर हमारा जो इन्वेंशन है, वो यहाँ पे रुका है कि जो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल वो है क्वार्क्स है, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, ग्लियॉन, बोसॉन, मियॉन, परमियॉन, लेप्टॉन, ये कुछ बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है। अब अभी तो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा, सर ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हो आप, हमने तो कभी अप और डाउन का नाम नहीं सुना, ना हमने कभी लेप्टॉन और परमियॉन का नाम नहीं सुना है। लेकिन जब ये लेक्चर खत्म होगा ना, यू आर गोइंग टू से, आप बोलने वाले, वाव सर मजा आ गया। तो वही मजा अभी मैं आपको देने वाला हूं। तो अब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि मैटर इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल, इज दैट क्लियर? मैटर इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? अब वो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है आपको जल्दी ही बताया जाएगा। तो यहां देखिए, इन पार्टिकल फिजिक्स में क्या होता है गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट। Okay, we are good to go. Fine. So, particle physics में क्या होता है? In particle physics, an elementary particle या उसी elementary particle के लिए हम term use करते हैं fundamental particle. Elementary particle के लिए term use करते हैं हम fundamental particle. It is a subatomic particle with no substructure. टर्म एलिमेंट्री पार्टिकल या फंडामेंटल पार्टिकल, ये टर्म कौन से पार्टिकल के लिए हम यूज करते हैं? ऐसे पार्टिकल जो जिनको कोई भी सबस्ट्रक्चर नहीं है, मतलब उनसे छोटा कुछ नहीं है, उनके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल और फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, अब ये क्योंकि एटम्स के अंदर मिलते हैं, एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर ये पार्टिकल होते हैं, इसलिए हम उनके लिए टर्म यूज कर रहे हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, सो एलिमेंट्री पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल, ये सारी टर्म उन पार्टिकल्स के लिए है जो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर है। देन अ पार्टिकल कंटेनिंग टू और मोर एलिमेंट्री पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ कंपोजिट पार्टिकल। तो अब ये कंपोजिट पार्टिकल वाला टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब किसी पार्टिकल में एक से दो और मोर देन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, टू और मोर देन टू एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, तो उनके लिए हम कंपोजिट पार्टिकल ये टर्म यूज करते हैं। अभी अभी मैंने आपको कुछ बताया था, क्या मुझे आप कंपोजिट पार्टिकल्स के एग्जाम्पल दे सकते हो? हेलो गुरविंदर, आप मुझे कंपोजिट पार्टिकल के एग्जाम्पल बता सकते हो? मैंने अभी अभी लास्ट स्लाइड में ही आपको कंपोजिट पार्टिकल के बारे में बताया था। तो अगर आप पीछे वाली स्लाइड पे जाओगे तो देखिए, ये जो आपका प्रोटॉन है,
प्रोटॉन में आपके पास तीन बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है, दो अप एक डाउन और तीन ग्लियॉन। तो प्रोटॉन में दो से ज्यादा बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है कि नहीं? यस। तो आपका प्रोटॉन क्या हुआ? कंपोजिट पार्टिकल। उसी तरह न्यूट्रॉन में जाइए, न्यूट्रॉन में आपको दो डाउन क्वार्क्स मिलेंगे, एक अप क्वार्क मिलेगा और तीन ग्लियॉन्स मिलेंगे। तो न्यूट्रॉन भी क्या हुआ? आपका कंपोजिट पार्टिकल हुआ। न्यूट्रॉन इज ऑल्सो कंपोजिट पार्टिकल। तो अभी अभी आपको दो एग्जाम्पल्स पता है। प्रोटॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट पार्टिकल एंड दैट्स इट गाइस। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंपोजिट पार्टिकल। अब देखिए, इस स्लाइड तक मैंने आपको दो चीजें बताई। बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जिनको कोई भी सबस्ट्रक्चर नहीं है। कंपोजिट पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल विच हैव टू और मोर देन टू एलिमेंट्री पार्टिकल, दो या दो से ज्यादा उनमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं कंपोजिट पार्टिकल। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? अब अगर आपको इस दो कंसेप्ट में कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी, अदरवाइज आई एम गोइंग अहेड। इन दो कंसेप्ट में अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए, अदरवाइज हम जाते हैं आगे। ओके, चलो बताओ। आई गेस देर इज नो डाउट गाइज, आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं है तो वी आर गुड टू गो अहेड। तो अब देखिए सेकेंड पार्ट स्लाइड्स पे हम आ गए। अब इस स्लाइड में अगर आप देख लोगे, इस स्लाइड में अगर आप देखोगे तो इसमें देखिए पहला, पार्टिकल्स करंटली थॉट टू बी एलिमेंट्री इंक्लूड। अब आपको ना एलिमेंट्री या बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं। बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स के हम आपको नाम बता रहे हैं कौन कौन से। सबसे पहला नाम है, सबसे पहला नाम आता है आपका फर्मियॉन्स का। ठीक है, ये नाम सुनने अभी के लिए आपको, बाकी कुछ नहीं करना। ठीक है, राइट काव्य, दे डोंट हैव, एटलीस्ट राइट नाउ हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो कहता है कि उनमें नहीं है, बट वी आर वर्किंग कि क्वार्क भी बने हैं क्या किसी चीज से। राजा, अब ये वाला टॉपिक मैं कल हिंदी में लेकर आऊंगा, डोंट वरी, आज के लिए डील कर लो। ठीक है, सो फर्मियॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल। ओके, फर्मियॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल, क्वार्क इज अ टाइप ऑफ फर्मियॉन, लेप्टॉन इज अ टाइप ऑफ फर्मियॉन, एंटी क्वार्क इज अ टाइप ऑफ फर्मियॉन, एंटी लेप्टॉन इज अ टाइप ऑफ फर्मियॉन। ओके, क्लियर सानू परिदा, विच जनरली आर मैटर पार्टिकल्स। ओके, यहां पे एक पॉइंट आपको पता चला कि फर्मियॉन्स आर मैटर पार्टिकल्स। इट्स सिंपल, फर्मियॉन्स आर मैटर पार्टिकल्स। ओके, आगे चलिए। एंड एज वेल मैटर पार्टिकल एंड एंटी मैटर पार्टिकल, तो फर्मियॉन में वो सारे पार्टिकल आते हैं जो मैटर या एंटी मैटर पार्टिकल्स है, वो आपको फर्मियॉन में मिलेंगे। और अब आते हैं हम दूसरा, एज वेल एज द फंडामेंटल बोसॉन्स। और एक पार्टिकल का आपको नाम पता चला, उसका नाम है बोसॉन्स। ठीक है, बोसॉन्स। अब इनमें गॉस बोसॉन, हिग्स बोसॉन आते हैं, इनको हम टर्म यूज करते हैं फोर्स पार्टिकल। तो फर्मियॉन आर मैटर पार्टिकल, बोसॉन्स आर फोर्स पार्टिकल एंड दैट मीडिएट इंटरेक्शन अमंग फर्मियॉन। दो फर्मियॉन के बीच में जो इंटरेक्शन होती है ना, उस इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बोसॉन, और ये बोसॉन्स को हम कहते हैं फोर्स पार्टिकल। इन बोसॉन्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स पार्टिकल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। तो अब इस स्लाइड से, ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ना, इस स्लाइड से आपको ये बस इतना याद रखना है, फर्मियॉन इज अ बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल विच इज अ मैटर पार्टिकल, बोसॉन इज अ बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल विच इज अ फोर्स पार्टिकल। तो व्हाट इज बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल, व्हाट इज कंपोजिट पार्टिकल, व्हाट इज मैटर पार्टिकल और फर्मियॉन, एंड व्हाट इज बोसॉन और फोर्स पार्टिकल, यहां तक आपको पता चला। अब मैं थोड़ा आपको पीछे लेकर जाता हूं, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये देखिए आपका ये जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन में क्या मिला आपको? अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, और इन सबके बीच में आपको ये जी दिख रहा है। दिख रहा है क्या ये जी? मैं थोड़ा इसको एनलार्ज करता हूं। ये देखिए, यहां अगर आप देखोगे, ये है आपका प्रोटॉन। प्रोटॉन में एक और दो अप है और एक डाउन है, ये तीन क्वार्क हो गए, और इन तीनों के बीच में क्या है? जी है।
ग्लियोन जो है ना ये फोर्स पार्टिकल है। तो अभी हमने क्या देखा कि दो फर्मियोन के बीच में जो इंटरेक्शन है ना, उस इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फोर्स पार्टिकल, जिनको हम बोसॉन कहते हैं। तो ग्लियोन इज अ बोसॉन एंड अप एंड डाउन क्वार्क्स आर द फर्मियॉन्स। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ थ्री बोसॉन्स एंड थ्री फर्मियॉन्स। प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ थ्री बोसॉन्स एंड थ्री फर्मियॉन्स। इन द सेम वे न्यूट्रॉन में भी देखिए, एक दो और तीन, ये तीन जी ग्लियोन मतलब तीन बोसॉन्स है, दो डी मतलब दो डाउन क्वार्क है, और एक यू मतलब एक अप क्वार्क है। तो ये हो गए आपके बोसॉन्स के, ये हो गए आपके न्यूट्रॉन में भी तीन बोसॉन है और तीन फर्मियॉन है। तो अब मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताने जा रहा हूं, आप लोग मुझे बताओगे, प्लीज टेल मी व्हाट इज बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल। बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल ये टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंपोजिट पार्टिकल। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज फर्मियॉन। एंड फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज बोसॉन। इन चार क्वेश्चन के आप आंसर दो, वी आर गुड टू गो। फिर हम चलेंगे आगे, फिर हम जाएंगे आगे। चलो दे दो आंसर, यहीं से सीख कर जाना है, ठीक है? मतलब बाद में याद करेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं करना है। चलो बोल, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ गाइस। यस, हाउ मेनी ऑफ यू आर राइट, हाउ मेनी ऑफ यू आर आंसरिंग करेक्टली? वेरी गुड। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर है कि बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जिनको कोई सबस्ट्रक्चर नहीं है। देन कंपोजिट पार्टिकल मतलब ऐसे पार्टिकल जो दो या दो से ज्यादा बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हैं। फर्मियॉन मतलब मैटर पार्टिकल, एंड बोसॉन मतलब फोर्स पार्टिकल। अब और एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ एंड न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ। प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ एंड न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ। अब इसका आंसर दे दीजिए, चलो इसका आंसर दो। प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ एंड न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ, इन दो क्वेश्चन का आंसर दो, देन वी विल गो अहेड। ये चीजें मैं आपकी यही पे परफेक्ट करवा रहा हूं ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो, ठीक है? यस, वेरी गुड गाइज, वेरी गुड। आई एम सो हैप्पी कि आप लोग इतने अच्छे से आंसर कर रहे हो। प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ टू अप टू डाउन एंड थ्री ग्लियॉन, राइट फ्रीक, वेरी गुड। एंड न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ टू डाउन वन अप एंड थ्री ग्लियॉन्स। चलते हैं आगे, लेट्स गो अहेड। ये देखिए बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल, ये है इनकी फैमिली, प्यारी सी फैमिली, ठीक है? देखो ये अप है तो इसको हंसी आ रही है, ये डाउन है तो बेचारा डाउन है, लाइक दैट। ये है स्ट्रेंज, इसका मुंह ही देख लो कितना स्ट्रेंज है, और ये चार्म है मतलब चार्मिंग पर्सनैलिटी है इसकी, चार्म, ठीक है? और ये टॉप है एकदम हैंडसम सा मूंछों वाला, और ये बॉटम है, ठीक है? टॉप एंड बॉटम। उसके बाद ये इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये मियोन न्यूट्रिनो, ये मियोन है, ये ताऊ हरियाणा वाला और वो ताऊ न्यूट्रिनो है। अब मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। सबसे पहले अभी अभी हमने देखा था कि जो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं वो दो तरह के बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, एक होता है फर्मियॉन और दूसरा होता है बोसॉन। फर्मियॉन को हम कहते हैं मैटर पार्टिकल, बोसॉन को हम कहते हैं योर फोर्स पार्टिकल, राइट? अब ये जो फर्मियॉन्स होते हैं ना, फर्मियॉन दो कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। हम फर्मियॉन को डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एक कैटेगरी है क्वार्क और दूसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन। कीप इट इन माइंड, याद रहेगा, याद रखिएगा, जो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है फर्मियॉन जिसे हम मैटर पार्टिकल कहते हैं, एक होता है बोसॉन जिसे हम फोर्स पार्टिकल कहते हैं। इसमें अब हम बात कर रहे हैं फर्मियॉन्स की। फर्मियॉन दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्वार्क और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन। अब क्वार्क की भी तीन जनरेशन होती है और इलेक्ट्रॉन की भी तीन जनरेशन होती है, दोनों की। क्वार्क की भी तीन जनरेशन है और इलेक्ट्रॉन की भी तीन जनरेशन है। तो अब देखिए क्वार्क की जो तीन जनरेशन है, उन तीन जनरेशन में कौन कौन आता है, हु ऑल आर इन द थ्री जनरेशन ऑफ द क्वार्क। तो सबसे पहले आता है आपका अप आया तो उसका अपोजिट आएगा डाउन। उसके बाद चार्म आया तो उसका अपोजिट आएगा स्ट्रेंज। उसके बाद टॉप आया तो उसके अपोजिट आएगा बॉटम। तो ये हो गई आपकी
क्वार्क की तीन जनरेशन और टोटल टाइप ऑफ क्वार्क है छह, छह तरह के क्वार्क्स है। अच्छा ये क्लास हमने की है क्या स्टार्टिंग में? श्वेता बोल रही है कोई बात नहीं, रिवीजन हो रहा है ना आपको, और बहुत सारे नए स्टूडेंट है जो आगाज में फर्स्ट टाइम ये क्लास कर रहे हैं तो उनके लिए कवर कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वार्क की छह जनरेशन, तीन जनरेशन और छह टाइप्स है क्वार्क के। लेप्टॉन की भी तीन जनरेशन और छह टाइप है, ओके। लेप्टॉन की भी तीन जनरेशन और छह टाइप है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियोन मियोन न्यूट्रिनो, ताऊ ताऊ न्यूट्रिनो। इसमें सिंपल है, याद रखने जैसा है, आपको बस लेप्टॉन में तीन नाम याद रखने, इलेक्ट्रॉन मियोन एंड ताऊ। कितने नाम याद रखने? तीन, इलेक्ट्रॉन मियोन एंड ताऊ, सबके आगे न्यूट्रिनो लगाना है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मियोन न्यूट्रिनो, ताऊ न्यूट्रिनो, ये हो गए। टोटल फर्मियोन आपको कितने पता चले? फर्मियोन के टाइप दो है लेकिन टोटल नंबर ऑफ फर्मियोन है छह और छह ट्वेल्व। टोटल नंबर ऑफ फर्मियोन कितने हैं? 12 है, ठीक है। सो अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन मियोन न्यूट्रिनो मियोन ताऊ न्यूट्रिनो ताऊ। अब मैं आपको, अच्छा सर प्रीतम ओके, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप लोग आंसर करोगे। चलिए बताइए, स्ट्रेंज इज अ टाइप ऑफ लेप्टॉन और क्वार्क, बताइए स्ट्रेंज इज अ टाइप ऑफ लेप्टॉन और क्वार्क, इसका आंसर दे दी। दूसरा क्वेश्चन है न्यूट्रिनो इज अ टाइप ऑफ लेप्टॉन और क्वार्क, न्यूट्रिनो इज अ टाइप ऑफ लेप्टॉन और क्वार्क, बताओ जरा, न्यूट्रिनो इज अ टाइप ऑफ लेप्टॉन और क्वार्क, दोनों में से किसका टाइप है? न्यूट्रिनो, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां देखिए आपका जो स्ट्रेंज है ना, इट इज अ टाइप ऑफ क्वार्क एंड न्यूट्रिनो, तीन टाइप के न्यूट्रिनोज में भी तीन टाइप है, तो न्यूट्रिनोज आर द टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स, हम लेप्टॉन्स के लिए टर्म यूज करते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके फर्मियॉन्स, अब हम जाते हैं बोसॉन्स पे। देखिए मैटर पार्टिकल में क्वार्क और लेप्टॉन्स आते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है, इसके डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। मैटर पार्टिकल जिनको हम फर्मियॉन कहते हैं, फर्मियॉन 12 है टोटल, फर्मियॉन्स कितने हैं? देयर आर टोटल 12 फर्मियॉन्स, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम क्वार्क्स में, एंड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो मियोन मियोन न्यूट्रिनो ताऊ ताऊ न्यूट्रिनो लेप्टॉन्स वाले। देन अब हम आते हैं फोर्स पार्टिकल, व्हाट इज द टर्म दैट वी यूज फॉर द फोर्स पार्टिकल, फोर्स पार्टिकल के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं जरा बताइए, देखते हैं आप में से कितने लोग बता पाते हैं, देखते ही आज हम आप लोग आप में से कितने लोग बता पाते हैं। फर्मियॉन्स सॉरी हाँ फोर्स पार्टिकल के लिए हम कौन सा, वेरी गुड सानु परिता वेरी गुड, फोर्स पार्टिकल के लिए हम टर्म यूज करते हैं बोसॉन। अब ये जो बोसॉन्स है ना बच्चों, बोसॉन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं गॉस बोसॉन और दूसरे होते हिग्स बोसॉन, एक होते हैं गॉस बोसॉन और दूसरे होते हैं हिग्स बोसॉन। अब ये जो हिग्स बोसॉन है ना, उसमें अभी तक हमें बस एक ही पार्टिकल पता चला है और उसका नाम है, उसका नाम है आपका हिग्स बोसॉन, एक ही पता है हमें और उसका नाम है हिग्स बोसॉन, ठीक है। और जो आपके गॉस बोसॉन होते हैं ना, उन गॉस बोसॉन्स में, गॉस बोसॉन्स की अगर हम बात करें तो गॉस बोसॉन्स में चार आते हैं, उसमें से एक ऑलरेडी आपको बताया, दूसरा आपने बहुत बार सुना हुआ है, एक ऑलरेडी आपको पता है उसका नाम है ग्लियोन, जो अभी अभी आपने देखा था, और दूसरा आपको बहुत नोन है। हमारी लाइट किससे बनी हुई है बताओ, लाइट इज मेड अप ऑफ बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पार्टिकल, लाइट इज मेड अप ऑफ विच पार्टिकल। तो गॉस बोसॉन में एक तो आता है ग्लियोन, ये रहा आपका ग्लियोन जिसे आप जी कहोगे, दूसरा आता है, चलो बोलो दूसरा क्या आता है, फोटोन, ये रहा आपका फोटोन, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटोन से बनी हुई रहती है, फोटोन। फिर ये वीक बोसॉन, ये जेड बोसॉन, वीक बोसॉन एंड जेड बोसॉन। और हिग्स बोसॉन में अभी तक हमें बस एक ही पार्टिकल नोन है और उसे हम कहते हैं हिग्स बोसॉन, नाम ही उस पार्टिकल का क्या है, हिग्स बोसॉन। इसी हिग्स बोसॉन के लिए हम टर्म यूज करते हैं, जो बहुत देर से बहुत सारे बच्चे बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम इनके लिए टर्म यूज करते हैं गॉड पार्टिकल और गॉड्स पार्टिकल, ओके हिग्स बोसॉन। मजा आया, कितने लोगों को मजा आया? अब आपको अगर कोई बोले ना
कोई बोले क्वार्क टीडी डिंग आपको आएगा, कोई बोले लेप्टॉन 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 फिर भी आपको आएगा, कोई बोले डब्ल्यू कोई बोले डब्ल्यू बोसॉन, कोई बोले जेड बोसॉन, कोई बोले फोटॉन, कोई बोले ग्लियोन, कोई बोले न्यूट्रिनो, कोई बोले लेप्टॉन, कोई बोले क्वार्क, सब कुछ आपको आ जाएगा। ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि आपको उसका आंसर पता है, मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया ना। चले आगे, तो ये हो गए आपके सारे के सारे बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ये जो दिख रहे हैं आपको ये पूरे के पूरे, इन सब को हम टर्म यूज करते हैं फर्मियॉन। और मैं दूसरा कलर लेता हूं, और ये जो ब्लू सर्कल से ब्लू कलर से मैंने जिनको राउंड किया है, इन सब के लिए हम टर्म यूज करते हैं बोसॉन। अब आपको फर्मियॉन और बोसॉन पता चल गया, फर्मियॉन और बोसॉन पता चल गया। अब कुछ बेसिक चीजें वो आपको पता होनी चाहिए। पहले हम आते हैं क्वार्क्स पे। फर्मियॉन दो तरह के होते हैं, एक तो क्वार्क और दूसरा लेप्टॉन। जैसे बोसॉन दो तरह के होते हैं, गॉस बोसॉन और हिग्स बोसॉन। तो बोसॉन पे अभी हम नहीं जाएंगे, हम पहले फर्मियॉन की बात करते हैं। तो फर्मियॉन दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वार्क और दूसरा होता है लेप्टॉन। होते हैं कि नहीं? होते हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल होते हैं। तो ये जो क्वार्क्स होते हैं ना, क्वार्क है छह, ये भी आपको पता है। अप डाउन चार्म, देखिए अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम, ये छह हो गए आपके। आशीष पटेल 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 पटेल, ठीक है। तो ये छह नाम हो गए बच्चों। ये बोल रहा था बच्चा लाइव चैट में, सर नेम पुकारो, इसलिए मैंने पुकारा। ठीक है मैं भी मूड में आ गया हंसी मजाक के। तो यस, ये पता है। अब मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं ना बच्चों, जितने भी आपके बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, इन सारे बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स में, इन सारे बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स में तीन क्वालिटीज होती है, एटलीस्ट तीन क्वालिटीज, या तीन ही क्वालिटीज होती है। एक, इनको मास होता है या नहीं होता। दो, इनको चार्ज होता है या नहीं होता। तीन, इनको स्पिन होता है या नहीं होता, होता है या नहीं होता। ठीक है, ठीक है। तो फिर ये क्वार्क रहने दीजिए, अप रहने दीजिए, डाउन रहने दीजिए, चार्म रहने दीजिए, स्ट्रेंज हो, टॉप हो, बॉटम हो, इलेक्ट्रॉन मियोन ताऊ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो मियोन न्यूट्रिनो ताऊ न्यूट्रिनो, कोई भी होने दो, कोई भी होने दो। इन सब में आपको तीन क्वालिटीज मिलेगी। देखिए यहां पे ये तीन क्वालिटीज, अप में तीन क्वालिटीज है कि नहीं? अप को मास है, चार्ज है, स्पिन है। चार्म को भी मास है, चार्ज है, स्पिन है। टॉप को भी मास है, चार्ज है, स्पिन है। डाउन को मास है, चार्ज है, स्पिन है। स्ट्रेंज को मास है, चार्ज है, स्पिन है। बॉटम को मास है, चार्ज है, स्पिन है। इलेक्ट्रॉन को मास है, चार्ज है, स्पिन है। मियोन को मास है, चार्ज है, स्पिन है। आपको थोड़ा बोरियत जैसा लग रहा होगा, लेकिन बियर करो थोड़ी देर, ठीक है। अभी अभी हंस लिया ना बहुत सारा आपने। देन ताऊ को भी, ताऊ को तो मास होना ही चाहिए, मूंछों पे ऐसा ताऊ देता है ताऊ। उसके पास चार्ज है और स्पिन भी है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो को देखिए मास है, लेकिन न्यूट्रिनो को चार्ज है क्या न्यूट्रिनो पे? वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, न्यूट्रिनोस पे चार्ज है क्या? नो। न्यूट्रिनो पे चार्ज है क्या? नो। देन न्यूट्रिनो पे चार्ज है क्या? नो। तो देखिए जितने भी न्यूट्रिनोस होते हैं ना, उनको मास होता है, स्पिन होता है, लेकिन चार्ज नहीं होता। क्या हुआ मतलब? न्यूट्रिनोस को मास होता है, स्पिन होता है, लेकिन चार्ज नहीं होता। लेकिन चार्ज ना होना भी एक तरह की क्वालिटी ही है। चार्ज ना होना ये भी एक तरह की क्या है? क्वालिटी है। तो पहली फैक्ट यहां पे आपको याद रखनी है कि न्यूट्रिनोज डू नॉट हैव चार्ज। ये टर्म याद रखनी है, न्यूट्रिनोज आर चार्जलेस। अब आइए बोसॉन पे। बोसॉन में देखिए ग्लियोन और फोटोन को। ग्लियोन को देखिए नो मास, इसको मास नहीं है, इस पे चार्ज भी नहीं है। ग्लियोन को कंप्लीट वन स्पिन है। उसी तरह फोटोन को मास नहीं है, चार्ज नहीं है, लेकिन कंप्लीट वन स्पिन है। ठीक है, देन बोसॉन को भी चार्ज नहीं है,
हिग्स पे भी चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको ना चार्जलेस पार्टिकल्स के नाम बता रहा हूं, ठीक है, इनके अगेंस्ट कोई चार्ज, माय लॉर्ड हिग्स पे कोई चार्ज नहीं है, ग्लियोन पे कोई चार्ज नहीं है, फोटोन पे कोई चार्ज नहीं है, बोसॉन पे कोई चार्ज नहीं है, टाउ न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं है, मियोन न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो पे कोई चार्ज नहीं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये जो 7 एलिमेंट्री पार्टिकल्स है माय लॉर्ड, इन पे कोई भी चार्ज नहीं है। इनको इस टेबल में क्यों रखा है? क्योंकि ये बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है। तो 7 बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल है जिन पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो आप इनको जेल में नहीं डाल सकते, समझ गए आप? अगर इन पे कोई चार्ज ही नहीं है तो इवन आप इनको कोर्ट पे भी नहीं ले जा सकते। कोर्ट पे, कोर्ट में आप किसे ले जा सकते हो? जिस पे कोई चार्ज लगा हो। अब भाई साहब इन पे कोई चार्ज ही नहीं है, अगर आप न्यूट्रिनो को बोलोगे ना चलो तुम्हें कोर्ट में लेकर जाते, तो न्यूट्रिनो बोलेगा भाई मैं चार्जलेस हूं, मुझ पे कोई चार्ज ही नहीं है, क्या करेगा कोर्ट ले जाकर? ग्लियोन और फोटोन और बोसोन और हिग्स बोसोन भी भागते भागते उनके सपोर्ट में आएंगे, बोलेंगे हाँ 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 भाई भाई हाँ हम 7 लोग हैं, हमारे ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो किस बेस पे तुम हमें कोर्ट पे लेकर जाओगे? हमें चुपचाप उनको वहां छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनपे कोई चार्ज ही नहीं है, तो आप उनको कोर्ट में किस बेसिस पे लेकर जाओगे भाइयों? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका चार्ज वाला मजा। अब आइए ग्लियोन पे। ग्लियोन को तो मास भी नहीं है भाई, ग्लियोन को मास भी नहीं है, प्रोटॉन को मास भी नहीं है। पूरे जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है ना, जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स है उनमें बस 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जिनपे मास नहीं है, एक है ग्लियोन और दूसरा है प्रोटॉन। तो इनको मास नहीं है, 7 एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे चार्ज नहीं है, 2 एलिमेंट्री पार्टिकल्स को मास नहीं है, और एक ही एलिमेंट्री पार्टिकल है जिसे आप हिग्स बोसॉन कहते हो, इस पे कोई भी क्या नहीं है, इसको स्पिन नहीं है, इसको स्पिन नहीं है। तो ये बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल, आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया। गाइज आप में से कितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया? गाइज 62 प्लस स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं और लाइक सिर्फ 48 है। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप लोगों को हमारे अनअकैडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है अनअकैडमी यूपीएससी। जल्दी करो, चलो 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 जल्दी करो, लाइक करो इस वीडियो को, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम चल रहे हैं आगे। तो अब यहां पे अब तक आपने क्या क्या देखा कहानी? अब तक नंबर 1 आपने देखा कि बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है, कहानी अब तक सुनाई जा रही है आपको, जो भी बच्चे लेट हुए हैं उनके लिए स्पेसिफिकली। अब तक आपने सुना कि बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल क्या है, फिर आपने सुना, मैं अब ये जो लिख रहा हूं ना आपको बताना है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो। दूसरा आपने सुना कंपोजिट पार्टिकल क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद आपने सुना कि फोर्स पार्टिकल क्या होते हैं, बताइए फोर्स पार्टिकल किसे कहते हैं। फिर आपने देखा मैटर पार्टिकल, ओके, फिर आपने क्या देखा मैटर पार्टिकल। ये जो मैटर पार्टिकल है बड़े बड़े मैटर करके आते हैं और फिर हमें परेशान करते हैं, मैटर पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े मैटर करके आते हैं फिर हमें परेशान करते हैं, ओके। हाँ नहीं होता लक्ष्मी प्रिया, हिग्स बोसॉन को चार्ज और स्पिन दोनों नहीं होता, ठीक है। देन हमने देखा कि फर्मियॉन क्या है, तो फर्मियॉन इज एन एग्जांपल ऑफ मैटर पार्टिकल। फिर हमने देखा बोसॉन क्या है, बोसॉन इज एन एग्जांपल ऑफ फोर्स पार्टिकल। फिर हमने देखा फर्मियॉन की 2 टाइप होती है, क्या बता सकते हो आप वो 2 टाइप? फर्मियॉन की 2 टाइप होती है, एक है क्वार्क और दूसरा है लेप्टॉन। ये क्वार्क 6 है, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज टॉप बॉटम, लेप्टॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन मियोन ताउ, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो मियोन न्यूट्रिनो ताउ न्यूट्रिनो। और बोसॉन 2 टाइप के होते, एक है गॉस बोसॉन, दूसरा है हिग्स बोसॉन। और ये जो बोसॉन से गॉस हो या हिग्स हो, ये दोनों बोसॉन में, हिग्स बोसॉन में बस एक ही पार्टिकल है हिग्स बोसॉन नाम है उसका, और गॉस बोसॉन में 4 पार्टिकल है, प्रोटॉन ग्लियोन जेड बोसॉन एंड डब्ल्यू बोसॉन। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब अगर कुछ आपको डाउट्स है तो चलिए स्टार्ट कीजिए पूछना, क्योंकि इसके बाद ना हम, इसके बाद हम कल ये वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि हैड्रॉन क्या होता है। हैड्रॉन ये टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं ये हम कल देखेंगे। उसके बाद आपका एक्सोटिक हैड्रॉन क्या होते हैं ये कल देखेंगे। उसके बाद
पायोन्स क्या होते हैं, बेले एक्सपेरिमेंट क्या है, न्यूक्लियॉन्स ये टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, ये हम कल देखेंगे, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, उसके बाद फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये सब हम, न्यूट्रिनोज क्या है, न्यूट्रिनोज इंपॉर्टेंट क्यों है, इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, हिग्स बोसॉन को डिटेल में हम पढ़ेंगे, ब्राउट एंगलर्ट हिग्स मैकेनिज्म देखेंगे, उसके बाद जो है हिग्स फील्ड देखेंगे एंड इलूजिव पार्टिकल, एटलस एक्सपेरिमेंट देखेंगे, एक्स्ट्रा डायमेंशन की बात करेंगे, एक्सपांडिंग यूनिवर्स की बात करेंगे, ये सब देखेंगे. सर माई डाउट एनवेलप्ड एंड नॉन एनवेलप्ड वायरस, टेक इट आफ्टर एवरीवन्स डाउट ऑफ दिस टॉपिक. अरे नॉट कॉर्प्स, मैं भूल ही गया. एक काम करो ना, आपका वो डाउट मैं कल मॉर्निंग के 11 एएम के सेशन में ले लूंगा. आपको बस ना मुझे कल मॉर्निंग के 9 बजे के सेशन के बाद टेलीग्राम पे मैसेज करना है, पक्का ले लूंगा मैं, ठीक है. तो ये सारे पार्टिकल, ये सारे टॉपिक हम कल कंप्लीट करेंगे, सब कुछ कल हम ये सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है. बहुत कुछ है पढ़ने लायक इसमें, तो हम कल करेंगे. अगर आपके कुछ डाउट नहीं है तो आई शुड से बाय. मैंने आपको बाय बोलना चाहिए, बाय बाय बोलना चाहिए कि नहीं आप लोगों को, या हेड्रॉन बता दूं मैं आपको, 2-3 मिनट में हेड्रॉन्स पढ़ा देता हूं, तो फिर हमें कल थोड़ा कम रहेगा पढ़ाने के लिए. चलो हेड्रॉन वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अभी. ओके, सो इन पार्टिकल फिजिक्स अ हेड्रॉन इज अ सब एटॉमिक का, तो पहला पॉइंट, हेड्रॉन ये एक कंपोजिट पार्टिकल है. हेड्रॉन क्या है? एक कंपोजिट पार्टिकल है. ओके, विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर क्वार्क, ये दो या दो और दो से ज्यादा क्वार्क से बना हुआ है. Held together by a strong force in a similar way as molecules are held together by electromagnetic force. तो अब मुझे आप हेड्रॉन के नाम बताओ, हेड्रॉन के एग्जाम्पल बताओ. अगर अगर हेड्रॉन ये एक ऐसा सब एटोमिक पार्टिकल है जो कंपोजिट पार्टिकल है, जिसमें दो या दो से ज्यादा क्वार्क्स होते हैं जिनको एक साथ रखा जाता है फोर्स की वजह से, तो फिर आप मुझे हेड्रॉन्स के नाम बताइए, जल्दी बताइए हेड्रॉन्स के नाम. टेल मी हाइड्रॉन्स के नाम बताइए जरा. यस यस गाइस, बोलो हेड्रॉन के एग्जांपल. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सर, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है ना, दीज आर द कंपोजिट पार्टिकल एंड दे आर द एग्जांपल्स ऑफ हेड्रॉन्स, ठीक है. चलते हैं आगे. देन हेड्रॉन्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू फैमिलीज. अब हेड्रॉन की दो कैटेगरीज है. हेड्रॉन इज अ कंपोजिट पार्टिकल. क्या है हेड्रॉन? हेड्रॉन एक कंपोजिट पार्टिकल है, और इस हेड्रॉन को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में. इसके दो पार्ट है हेड्रॉन के. एक होता है बैरियन, एक होता है आपका बैरियन. बैरियन का मतलब क्या है? मेड अप ऑफ ऑड नंबर ऑफ क्वार्क. अगर कोई हेड्रॉन ऑड नंबर ऑफ क्वार्क से बना है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बैरियन. ओके, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बैरियन. और अगर कोई हेड्रॉन इवन नंबर ऑफ क्वार्क से बना है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं मीजॉन. सिंपल है. अगर इवन नंबर ऑफ क्वार्क्स होगे तो आप बोलोगे मीजॉन, ऑड नंबर ऑफ क्वार्क्स होगे तो आप बोलोगे बैरियन. लेकिन इन दोनों को आप क्या कहोगे? हेड्रॉन, क्योंकि दोनों में टू और मोर देन टू बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल से ही, दैट इज क्वार्क से, टू और मोर देन टू क्वार्क से, इसलिए हम इन दोनों को हेड्रॉन कहेंगे. हेलो ऋषिकेश ताड़, ठीक है. तो बैरियन एंड मीजॉन, ये प्रीलिम्स के लिए याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट. बैरियन ऑड नंबर ऑफ क्वार्क एंड मीजॉन इवन नंबर ऑफ क्वार्क. फाइन, मीजॉन मेड अप ऑफ इवन नंबर ऑफ क्वार्क, यूजली वन क्वार्क एंड वन एंटी क्वार्क. तो मुझे बताइए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैरियन है या मीजॉन है? प्रोटॉन या न्यूट्रॉन बैरियन से या मीजॉन से?
इसका आंसर आप दोगे. चलो बताओ. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर दे आर बैरियंस और दे आर मीजॉन्स. बताइए जरा. बोलो बोलो गाइस. क्विकली बताइए. ऑब्वियसली गाइस ये जो है ना प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन और दे आर बैरियंस. और मुझे बताइए हमें जितना भी मैटर नोन है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से बना है कि नहीं. जो भी नोन मैटर है हमें वो बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से. इसीलिए जो मैटर आपको दिखता है ना उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बैरियोनिक मैटर. जो मैटर हमें दिखता है उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बैरियोनिक मैटर. और जो हमें नहीं दिखता जो डार्क मैटर है उस डार्क मैटर के लिए हम टर्म यूज करते हैं नॉन बैरियोनिक मैटर. डार्क मैटर के लिए क्या टर्म यूज किया आपने? नॉन बैरियोनिक मैटर. ओके सो बैरियोनिक मैटर जो दिखता है विजिबल है बिकॉज दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर बैरियंस दैट्स व्हाई वी कॉल दिस बैरियोनिक मैटर. और दूसरा आता है नॉन बैरियोनिक मैटर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से नहीं बना जो विजिबल नहीं है उसे हम नॉन बैरियोनिक मैटर कहते हैं. और जो मीजॉन से तो आपको बैरियन के एग्जाम्पल पता चल गए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बैरियन. उसी तरह मीजॉन जो है ना मीजॉन का एक एग्जाम्पल है उसका नाम है पायॉन. तो प्रिलिम के लिए याद रखिए पायॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीजॉन. अब मैं एक स्टेटमेंट करने जा रहा हूं आप मुझे बताओगे क्या वो स्टेटमेंट सही है. पायॉन इज अ कंपोजिट पार्टिकल. क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? पायॉन इज अ कंपोजिट पार्टिकल. बताइए जरा स्टेटमेंट करेक्ट है क्या? स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं जल्दी बताओ. पायॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट पार्टिकल. बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि पायॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीजॉन. मीजॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ बैरियन हेड्रॉन एंड हेड्रॉन इज अ कंपोजिट पार्टिकल. हेड्रॉन क्या है आपका? वो कंपोजिट पार्टिकल है. तो यस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आगे चलते हैं हम हेड्रॉन की दुनिया में ही. अब हमें डिस्कस करना है एक्सोटिक हेड्रॉन और एक्सोटिक मीजॉन. ये हमें डिस्कस करना है तो आई गेस ये हम कल डिस्कस कर लेंगे. ठीक है तो मैंने आपको हेड्रॉन के बारे में बता दिया तो हम कल बाकी सारे टॉपिक हम कल डिस्कस कर लेंगे. बिफोर यू लीव दिस क्लास आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है. सबसे पहली एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये कोड याद रखना है SKUS. इसे हम कहते हैं वायरल कोड ऑफ सक्सेस जो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट देता है अनएकेडमी के सब्सक्रिप्शन पे. देन आपको इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि अभी अभी मैंने जो आपको पढ़ाया ना वो सब का सब PDF फॉर्मेट में इसी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा. एंड ये मेरा अनएकेडमी का प्रोफाइल है. आपको मुझे अनएकेडमी पे फॉलो करना है. आपको मुझे अनएकेडमी पे हैप्स डेडिकेट करनी है. और आपको अभी मेरा नेक्स्ट क्लास होने वाला है 4 PM को. वो क्लास होगा अनएकेडमी लर्निंग ऐप पे. उस क्लास में मैं कंडक्ट करने वाला हूँ मॉक टेस्ट जो कि फ्री मॉक टेस्ट है. तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस फ्री मॉक टेस्ट को अटेंड करो वो भी लाइव. इसे रिकॉर्डेड नहीं देखना है. मॉक टेस्ट हमेशा लाइव देनी चाहिए. तो आई वांट कि आप सब लोग 4 PM की अनएकेडमी लर्निंग ऐप की मॉक टेस्ट में आए. अगर आपको लिंक चाहिए तो ये रहा मेरा अनएकेडमी का प्रोफाइल. सिंपली इस प्रोफाइल पे जाइए इसे फॉलो कीजिए. जैसे ही मैं लाइव आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि सचिन कदम सर इज लाइव विथ एन ऑसम मॉक टेस्ट. क्लियर? Is that clear to everybody? So that's it for today, guys. Thank you very much. Bye bye. Take care. Sayonara. See you at 4 PM on Unacademy Learning App. Till that time, bye bye. Take care.